बाबा साइन दरकार चलो। मेरा एक साथ टोटल चार पेशी है, मतलब ये तीन साल में पहली बार हुआ है कि एक ही डेट पे चार चार पेशी पड़ा है मेरा। तो तुमने लगाया मेरे पर आरोप कि मैं सोशल मीडिया से इनकम कर रही हूँ, तो मेरा भी जवाब उसी तरीके से आएगा। और तुमको इतना इंटरेस्ट है मेरा बैंक डिटेल जानने का पिछले तीन साल का, तो तुम्हारे पास तो मेरा पासबुक है SBI का, जाओ निकाल लो। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। अभी सुबह सुबह नींद से उठ के मैं, मेरी सिस्टर, हम लोग पैकिंग कर रहे। कल मैं लाइव आई थी बहुत अच्छे से सुंदर सुंदर साड़ियाँ लेके, तो वो सारा साड़ी मतलब लगभग निकल चुका है। और आप लोग को ये जो डिज़ाइन, ये जो पैटर्न है, आप लोग को बहुत पसंद आया। मतलब इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी वर्क है और शाइन मटेरियल है। बस ये लास्ट पीस ही बचा हो, बाकी सारा सोल्ड हो गया इसका। और एक पैटर्न है ये वाली, ये भी आप लोग को बहुत अच्छा लगा। इसका कलर मैं दिखाती हूँ, ये बची हुई है, ये आपका कॉफ़ी कलर में वाइट एम्ब्रॉयडरी वर्क है विथ थोड़ा सा मोती भी है। और इसका ब्लाउज़ दिखा रही हूँ मैं आपको, लाइट आपका चाय कलर में डार्क ब्राउन कलर का ब्लाउज़ है, तो ये भी बची हुई है, बाकी मोस्टली सोल्ड आउट है। और आज मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ सिल्क इस साड़ी। कलर देखिए आप लोग, एक से एक कलर है। ये है ये सब आज मैं लाइव में लेके आने वाली हूँ। एक कलर है, ये देखो कितना प्यारा कलर है। तो आज अच्छी अच्छी साड़ियाँ आएगी लाइव सेशन में, आप लोग ज़रूर आज जुड़ना शाम को। और कितने बजे आऊँगी, वही 8, 8:30 बजे, 8:30 बजे में आ जाऊँगी लाइव, क्योंकि आज ऐसा है ना कि आज मेरा एक साथ टोटल चार पेशी है। मतलब ये तीन साल में पहली बार हुआ है कि एक ही डेट पे चार पेशी पड़ा है मेरा। तो दिमाग में बहुत सारा काम, बहुत सारा बातें, बहुत सारी चीज़ चल रहा है साथ साथ। सुबह नींद से उठ चुके हैं, उठ के पैकिंग करा, आपको पर आवाज होगा, मेरी सिस्टर यहाँ पे भी पूरा पार्सल पैक कर रही है, वो नाम वगैरह इकट्ठा करके दे रही हूँ, सब पैक कर रही है। ये देखिए अभी ये पार्सल पूरा रेडी हो रहा है, तो पार्सल भी पूरा पैक कर रही है। तो ये सारा पैक करना होगा, फिर हम लोग लंच मतलब सुबह नाश्ता में लंच ही करके जाएंगे, गर्मी का समय है ना। बात की थी भैया को, बोल दी हूँ कि भैया आज मैं कोर्ट जाऊँगी, तो हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन आप सामान आज लेके जाना। आज काफ़ी सारा पार्सल निकला है, कुर्ता वगैरह भी बहुत सारा चीज़ निकला है। यहाँ पे नाइटी वगैरह भी है ना मेरे पास, तो नाइटी वगैरह भी सोल्ड हुआ ना। ये एक कुर्ता, ये आपका ये कुर्ता हो गया, ये कुर्ता ये हो गया, और ये एक नीचे नाइटी हो गया, ये जो है उड़ीसा। और ये बहुत प्यारा साड़ी, ये जो दिखाई ना आप लोग को, ये और ये दोनों, ये जा रहा है आपका बनारस। अच्छा एक ही तो है बनारस, वाराणसी एक ही तो होता है। तो उधर भी बहुत सारा कुर्ता रखा हुआ, ये पैक कर रही है। और ये जाएगा आई थिंक बिहार जाएगा ना, कहाँ जाएगा वो ब्लैक साड़ी, कहाँ पे जाएगा? नोएडा जाएगा। बाकी तो यहाँ सारा पार्सल पैक ही है, कि हर कोने कोने में पार्सल जाता है, हर कोने कोने में। और एक ट्रस्ट का बॉन्ड हो चुका मेरे साथ। और ऐसा है ना कि जिन लोग एक बार लिए हैं ना, वो मतलब रिपीट के बेस पे हमेशा मेरे से ले ही रहे हैं। अब मैं सबको पहचानती हूँ, सबका नाम भी मुझे याद है, इस तरीके से हो गया है। फिर देखते हैं आज कोर्ट में क्या होता है क्या नहीं होता, आप लोग से सारा चीज़ मैं डिस्कस करूँगी। और आप लोगों को तो पता ही है ना मेरा निर्णय, मेरा डिसीजन मैंने ले लिया फुल एंड फाइनल, अब इसको कोई भी नहीं बदल सकता है। अब सोच ली तो सोच ली, और आज जाके अपने सर लोगों से बात करूँगी, और अपने सर लोगों को बोलूँगी कि उन लोगों के सर लोग से बात करूँ, क्योंकि ऐसा होता नहीं कि हम लोग तो डायरेक्टली बात नहीं कर सकते ना, उन लोगों के सर से मैं तो बात नहीं कर सकती। तो मेरे सर को मैं बोल दूँगी कि सर आप प्लीज़ उसके सर से बात करिए, या फिर उससे बात करिए क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, कि डिवोर्स का अप्लाई उसने किया है, डिवोर्स उसको चाहिए, जब उसने अप्लाई किया है मतलब उसको नहीं रहना है, तभी तो उसने अप्लाई किया है। और आज जब मैं डिसीजन ले ली हूँ, तो उस डिसीजन पे अमल किया जाए। लो क्या दू? बोतल। बोतल क्या होता है? तो पानी निकल चुके, गर्मी बहुत ज्यादा है। टोपी कहाँ है मेरा, पकड़ी है क्या? ये मेरा कैप है ये, और इसकी मौसी स्कार्फ बांध दी है, और वो रिशु का लाल कलर का कैप है, इसको बांधूंगी फिर कैप पहनूंगी। ऐसा कैप पहनूंगी तो कम से कम धूप नहीं लगेगा। और हम लोग लेट हो गए, 12 बज गया, क्योंकि कम से कम दो तीन
सकता है, वो फोन कटा लेते साड़ी के लिए, वीडियो कॉल वगैरह होते होते लेट हो गया। इतना गर्मी लग रहा था ना, हम तीनों लोग अपना सर्वर ढक के जा रहे थे और देखिए फाइनली हम लोग कोर्ट पहुंच चुके हैं। और आज एक साथ में कम से कम 4-5 पेशी है तो उन लोगों को तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि एक पेशी में आप आवेदन लगा सकते हो, 4 पेशी में एक एक साथ आप नहीं लगा सकते। अच्छा ही हुआ है कि एक साथ 4-5 लग गया, नहीं तो हर अलग अलग दिन मतलब आना पड़ता था कोर्ट में। तो फाइनली यहाँ पे मेरा हो चुका है, अब हम लोग घर जाएंगे और घर जाके मैं आपको बोलूँगी क्या क्या हुआ। और रिशु यहाँ पे फ्रूटी के लिए ज़िद कर रही थी तो रिशु को मैं एक तो फ्रूटी खरीद के दी, उसको भी गर्मी लग रहा था ना, आते आते मुझे मटका दिखा, फिर यहाँ पे मैं मटका ले रही थी क्योंकि फ्रिज का पानी पीना नहीं चाहिए, रिशु को भी नहीं पिलाती, उसको भी तो ठंडा पानी पीने का मन करता है। और गर्म पानी जो डब्बे में रहता है वो भी मतलब प्लास्टिक में भी पानी रह के पीना सही नहीं ना, हमारा जो पानी आता है प्लास्टिक में रहता है वो। तो फिलहाल यहाँ पे मटका मैं चेक करी थी कि छेद तो नहीं है, और मटके का पानी पीना सबसे ज़्यादा बेस्ट है गर्मी के दिन में, तो मुझे ये मटका आपको 150 में इन्होंने दे दिया। फिर साथ में मैं यहाँ पे एक स्टैंड भी ली थी, तो मटका भी हो गया स्टैंड भी हो गया, अब आराम से हम लोग सब लोग ठंडा पानी पियेंगे, फ्रिज का पानी पीना अच्छा नहीं है। चलिए अब मैं घर जाती हूँ, फिर आप लोग से बताती हूँ क्या क्या हुआ। बताती हूँ कि कोर्ट में हुआ क्या है। जैसे हम लोग गए हुए थे, मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि दी कोर्ट में क्या हुआ बताइए, हमें भी जानना है, हम भी अपने लाइफ के सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो जैसे कल मेरा एक साथ में 4-5 पेशी था, तो सभी में मैं गई हूँ अलग अलग कोर्ट में, मतलब एक ही जगह कोर्ट रहता है आपका, डोमेस्टिक वायलेंस का एक अलग कोर्ट, मतलब जज है, फिर आपका फैमिली कोर्ट अलग है, हर हर जगह अलग अलग जज बैठते हैं, फिर चाइल्ड कस्टडी के लिए भी अलग जज है। तो टोटल मैं कल 3 कोर्ट में गई, 3 कोर्ट में अलग अलग जज थे। तो मतलब जो नीचे में गई थी, तो मतलब हम लोग चाह रहे थे कि जितना भी केस है ना वो सारा एक ही कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि हर जगह घूम हम लोग घूम रहे थे, गर्मी भी काफ़ी तेज़ थी। तो एक जो पेशी है वो मतलब एक जो धारा है बच्चे की कस्टडी वाला, उसको ट्रांसफ़र करके हम लोग फैमिली कोर्ट में कल ले लिए। तो कल हम लोग गए, काफ़ी समय तक बैठी हुई थी मैं बहन जी, हम लोग बैठे हुए थे काफ़ी समय तक, तो मैं तो पहले पहुंच गई थी। तो उसके मैम ने कहा कि आ रहा है वो ट्रेन में, जबकि मुझे अच्छे तरीके से पता है कि वो ट्रेन में नहीं था। तो आया लेट में, सज सवर के आया एकदम, और लोगों को क्या ही बताऊँ, वो एक वो पैंट पहन के आया था, जो पैंट 3 साल पहले उसको मैंने खरीद के दी थी, उसमें तो टोटल 2 पैंट खरीदा था, एक आपका हो गया मतलब आर्मी कलर और एक हो गया लाइट आर्मी कलर, 2 खरीदा था, उसको याद भी नहीं होगा, उसको लगेगा मैंने पे किया था, और वो पैंट उसने कलर स्मॉल के जो ब्रांड फैक्ट्री वहाँ से खरीदा था। फिर हम लोग अंदर जाके बहुत समय तक बैठे थे, उसके बाद मतलब कोर्ट के अंदर बुलाए, तो अभी हमारे यहाँ पे जज चेंज हो चुके हैं, और मतलब एक कहा था ना कि जज को देख के एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है, होता ना कि जज लोगों का ट्रांसफ़र होता है शायद 6 महीने में या 2 साल में, तो पिछले 2 साल से तो मैं यही जज को देख रही थी यहाँ पर जो थे, अब वो चेंज हो चुके, अब यहाँ पे कोई और जज आए हैं, उनके देख के बहुत पॉजिटिविटी मुझे फील हुआ है, ऐसा लग रहा है कि शायद सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और बहुत अच्छे हैं उनके मतलब बिहेवियर से मुझे ऐसा लग रहा था। हम लोग अंदर गए, तो मैं सबसे पहले अंदर गई, जाने के बाद फिर पूछी कहाँ है करके, मतलब मेरे जो अपोजिट है वो इंसान, तो फिर उनके वकील लोगों ने या फिर शायद मेरे वकील ने बोला था कि सर अभी तक तो आए नहीं करके, तो बोलते ठीक है फ़ोन किया जाएगा। तो ये सुन के कितना अच्छा लगा कि आए नहीं तो फ़ोन किया जाएगा, इस टाइप से है तो इस तरीके से होना चाहिए पता है, तो मतलब ऐसा लगता है कि फिर न्याय तो तुरंत मिल जाएगा, ऐसा वाला फीलिंग आ रहा था। लेकिन फिर उन लोग आए, आने के बाद फिर खड़े हुए हम लोग, तो जैसे मैं इधर खड़ी हूँ, उन लोग इधर खड़े हैं जिसके सामने, फिर क्या है करके, अब नए नए जज ये तो थोड़ा सा पढ़ रहे थे, तो इसके मैम ने कहा, मतलब उसके मैम ने कहा कि हमने सामने वाले के ऊपर 91 लगाए, इन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया है। तो फिर मेरे तब मेरे सर लोग ने कहा कि सर देंगे जवाब थोड़ी देर में, देंगे करके जवाब ऐसे। तो फिर बोले कि सर हम लोग सबसे पहले इन लोगों के ऊपर लगाए थे 91, मतलब हम लोग उन लोगों के ऊपर लगाए थे 91, तो उनका जवाब उस तरीके से आया नहीं। तो फिर उसके मैम ने बोला सर हमने जवाब दे दिया, ठीक है अब इन लोगों की बारी, अब इन लोग जवाब देंगे, मतलब उन लोगों को इतनी उत्सुकता है मेरा बैंक अकाउंट मेरा बैंक डिटेल्स जानने की, बार बार 91 आप लोग का बन गया, 91 आप लोग जमा कर दिए, बार बार बोल रहे थे। तो मैं इसका भी आगे मैं इसकी भी आगे बढ़ूंगी। तो फिर वकील ने जो जज थे ऐसा हंस दिए, बोले अरे इन्होंने भी सामने वाले के ऊपर 91 लगाया करके। तो मेरे सर बोलते हाँ, तो बोले ठीक है, इस टाइप से थोड़ा सा हुआ, क्योंकि एक ऑप्शन सी बात है, एक पति अगर सरकारी जॉब कर रहा है दिल्ली में बहुत ऊंची पोस्ट में जिसकी सैलरी बहुत अच्छी है,
और जिसकी बीवी ना प्राइवेट जॉब करती है ना सैलरी जॉब करती है, कुछ भी नहीं करती, उस इंसान के ऊपर अगर आप 91 लगाओगे कोई भी इंसान हंस देगा, जेन्युइन सी बात है। तो फिर ठीक है, फिर मेरे वकील ने बोला कि सर पहले हम लोग लगाए थे, उन्होंने बोले हम जवाब दे दिए हैं। जवाब में क्या दिए हैं, जवाब में मेरे तरफ से ये लगाया गया था 91 में कि मेरे हस्बैंड का जो सैलरी स्लिप है वो जमा कर दिया जाए, ठीक है। और उन्होंने जवाब में क्या दिया, सुनिए जवाब में उन्होंने दिया है कि मैं दिल्ली में स्वास्थ्य अधिकारी के पोस्ट में जॉब करता हूँ, पदस्थ हूँ, ये है उसका जवाब। ये कहाँ का सैलरी स्लिप हुआ बताइए, ये कोई सैलरी स्लिप है ये? तो इन्होंने ये जवाब दिया है, तो अब इनके जवाब को डिनाई किया जाएगा। हमारी तरफ से जो भी चीज बनेगा वो वकील लोग देख लेंगे, मुझे तो उतना आइडिया है नहीं, नॉलेज है नहीं। तो अभी लोग मेरा मांग रहे हैं तो मेरा भी जवाब जाएगा उस बेस पे। तुम्हारा जवाब 91 के बेस पे, तुम गवर्नमेंट जॉब करते हो, तुम अच्छे पोस्ट में जॉब करते हो, 2-3 लाख तुम्हारी सैलरी है, बट अब तुमसे सैलरी स्लिप मांगा जाता तो तुम ये बोलते हो कि मैं इस पद पे पदस्थ हूँ। तो तुमने लगाया मेरे पर आरोप कि मैं सोशल मीडिया से इनकम कर रही हूँ, तो मेरा भी जवाब उसी तरीके से आएगा। ऐसे खेलते हैं जवाब जवाब। तुमने ये नहीं बताया सर को कल कि तुम जो छोड़ा हुआ जॉब था तुम्हारा रायपुर में, जो जॉब तुम छोड़ चुके थे है ना, और तुम दिल्ली में पिछले 1 साल से जॉब कर रहे थे, तब तुमसे तुम्हारा सैलरी स्लिप मांगा गया, तो तुमने रायपुर में छोड़ा हुआ जॉब का सैलरी स्लिप तुमने जमा किया, झूठा। तुम पे 420 लग सकता है। तुमने ये नहीं बताया कि मैं चोर हूँ, मैंने झूठा सैलरी स्लिप जमा किया था, उस बेस पे मेरा मेंटेनेंस बना था 9,000, तो तुमने ये नहीं बताया। तो तुमको ये भी बताना चाहिए था तुमको। वो तो मैं खुद बात कर लूँगी सर से, कभी मेरे को मौका मिला तो मैं ज़रूर बात करूँगी कि सर इसने अपना सैलरी स्लिप जमा नहीं किया, छोड़ा हुआ जॉब का सैलरी स्लिप इसने जमा किया था, अभी जो दिल्ली में जिस पोस्ट में जॉब कर रहा है उसका सैलरी स्लिप जमा नहीं किया, मांगा गया था हमारे तरफ से लेकिन उसने सैलरी स्लिप का कोई जिक्र ही नहीं किया, बस इस पद पे पदस्थ हूँ वाला जिक्र किया है। और तुमको इतना इंटरेस्ट है मेरा बैंक डिटेल जानने का पिछले 3 साल का, तो तुम्हारे पास तो मेरा पासबुक है SBI का, जाओ निकाल लो। ये इतना चोर है, सोचो मेरा पासबुक तक लेके भाग गया। वो तो शुक्र है कि ATM कार्ड हमेशा पर्स में रहता है ना, वो तो पर्स में रहेगा और कहाँ रहेगा। तो मैं जब निकली थी मेरे भाई के पास, जब डॉक्टर ने मुझे बोला था अकेले मत रहो, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि मैं अकेले थी, अब एक बार आ चुका हार्ट अटैक दोबारा फिर आ सकता है, तो पर्स में मेरे कुछ पैसे ATM कार्ड था वही लेके चली गई मैं, नहीं तो ATM कार्ड भी मेरा गायब रहता और उसको तो पिन पता था क्योंकि पिन जनरेट वही किया था, और पासबुक भी उसी के पास है, सोचो पासबुक तक लेके रखा। एक काम करना, जाना तेरे को मेरा डिटेल्स चाहिए ना, जाना तेरे को डिटेल्स मिल जाएगा, निकाल लेना SBI ब्रांच में जाते, तेरे को तो पता ही है तुम्हारे तुम जहाँ रहते हो लक्ष्मी नगर में जो लालपुर है वही का ही बैंक है मेरा, है ना, क्योंकि तुम ही मेरे को साथ लेके गए हुए थे, मिल जाएगा, जाना चले जाना। इतना इसको इतना मतलब क्या बताऊँ, मतलब इतना 420 ही है ये आदमी, इतना 420 है, याद रखना। गलत तरीके से और गलत नीयत से किया गया काम ना कभी सक्सेस नहीं होता है, कभी भी नहीं। और मेरे को भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, जज के ऊपर पूरा भरोसा है कि न्याय ज़रूर करेंगे मेरे लिए, मेरे ऊपर, और मुझ जैसे जितनी भी औरतें लेडीज उस कोर्ट में जाती हैं सबका सुनेंगे। एक अंदर से एक फीलिंग आती है ना, वो फीलिंग्स मेरे अंदर आ रही है। और अभी तो आजकल कितनी सारी चीज़ें मतलब न्यू रूल्स रेगुलेशंस मतलब सुनने को आ रहा है कि जज लोग इस तरीके से तुरंत मतलब नियम वगैरह चेंज कर देते हैं। ऑब्वियसली बात है, तुमने शादी किया है, तुम्हारी जिम्मेवारी है बीवी और बच्चा, तुमको मेंटेनेंस, तुमको खर्चा तुमको देना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारा खुद का कुछ भी नहीं है और कोई भी संपत्ति कुछ भी तुम्हारे नाम का नहीं है तो अपने पापा मम्मी का संपत्ति बेच के दो। तुम शादी क्यों करते हो, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, बात बताओ। तुम तो देख दाख के लाए हो ना कि चलो ठीक है जॉब नहीं करती, कुछ नहीं करती है, तुम तो वही देख के लाए हो। फिर तुमको शादी नहीं करना था, फिर तुमको जॉब वाली लड़की से शादी करना था। सीधी सिंपल सी बात है, जब मैं तुम्हारा खा नहीं रही हूँ, तुम्हारा पी नहीं रही हूँ और तुम्हारे से कुछ लिंक मेरा है नहीं, ठीक है, मैं अपनी ज़िंदगी खुद जी रही हूँ, खुद खा रही हूँ, खुद पी रही हूँ, खुद हर चीज़ मैनेज कर रही हूँ, तो तुमको कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरा वो खाने पीने का चीज़ को तुम डिस्ट्रॉय करो। मेरे वीडियो में उसने मेरा पहला चैनल डिलीट करवाया, मेरा जो थोड़ा सा था इनकम वो बंद हो गया। दूसरे चैनल पर रिपोर्ट मार रहा है, वो भी पूरा जा रहा है यहाँ से वहाँ से, पूरा हर तरीके से जा रहा है, जो कुछ मेरे पास आ नहीं रहे। अब उसने लगा है कि सोशल मीडिया से इनकम कर रही है, ठीक है, हम दिखा देंगे। जो यूट्यूब का जो
एक्साइट होता है ना, जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, और ऐसा क्रॉस क्रॉस, ऐसा गोल है, ऐसा क्रॉस है, गोल है, ऐसा क्रॉस है, सारा दिखा दूंगी मैं सबूत के बेस पे। कितना सारा वीडियो मेरा रिपोर्ट हुआ, डिलीट हुआ है, इसमें जो रेवेन्यू हुआ था वो चला गया, इवन जब मेरा चैनल डिलीट हुआ वो भी साथ में इतना लेके चला गया है। हाँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस इस मूर्ख इंसान के बारे में सोच रही हूँ, और क्या ही बताऊँ इस मूर्ख इंसान के बारे में। बाकी आया हुआ था कोर्ट में, ऐसा करके बेशर्म की तरह हंस रहा था, मंडरा रहा था, घूम रहा था, जो करना कर, मैं तो उस तरफ देखी भी नहीं, और मेरे को मन भी नहीं करता उसको तरफ देखने का, मतलब ना कैसे कैसे ना, मैं वहाँ पे थी ना, तो मेरे को ना बस जैसे उल्टी उल्टी लग रहा था, अजीब अजीब लग रहा था, एकदम ऐसा लग रहा था भगवान, मतलब ना घिन लग रहा था ना, मैं बता नहीं सकती, मतलब अजीब सा लग रहा था, वो फीलिंग्स को ना मैं नाम नहीं दे सकती, क्योंकि आप किसी इंसान से जब प्यार करते हो ना, तो टूट के प्यार करते हो, फिर कभी उस इंसान से अगर आपको नफरत हो जाती है ना, फिर वो नफरत ना घृणा में बदल जाती है, और मेरे साथ वही हुआ है।